अरे नहीं 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 काटना नहीं काटना नहीं भाई, किसम यहाँ से ले रहे हैं बनी कवर, पूरा जो है वाइजर है साइड वाला जो भी है ये पूरा खराब हो गया, पूरा स्क्रैच हो गया, और ये मिरर भी देख सकते हो साथ में, इसका जो हैंडल था ना भाई ये भी खराब हो गया। सो गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। क्या हाल चाल आपके, उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका जो आपको है एंड आपने जो अभी थंबनेल देखा भाई वो कल का सीन है, आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। सारी आप पहले टोटल वीडियो देख लीजिए एंड पीछे आप देख सकते हो बनी वाला हेलमेट अपना रखा हुआ है, और ये जो अपना कवर है ना अभी लेके आया हूँ, उसी वीडियो में बता दूंगा कहाँ से लेके आया हूँ, कैसे लेके आया हूँ, और ये आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताता हूँ सीन हुआ कैसे कैसे क्या क्या चाहिए। आप पहले टोटल वीडियो देखो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, हल्ला नहीं। भाई जाऊं जाऊं, ठीक है भाई जल्दी में उधर जाना, ठीक है भाई, बाय बाय, आराम से रोड पे मत आया करो। किधर चल रहे हो आप भी, इधर ही लाइन में, क्या बात है, चलो स्माइल करो, अच्छी बात है यार। सो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और ये शनिदेव महाराज जी, क्या हो गया भाई, मैंने क्या कर दिया। अब तो आ जाओ, बाय बाय, जाना जल्दी में हूँ भाई। देखो अब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा फील होता था कि लोग क्लियर हुए हैं, लेकिन अब ना ज़्यादातर फेसेस जो है वो स्माइल के साथ देखता हूँ। अरे नहीं 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 काटना नहीं काटना नहीं भाई, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया यार। चाचा रोड के बीच में खड़े हो गए, क्या कर रहे हो आप लोग, अब तक खड़े हुए क्या बात है यार, आराम से टहल के निकला करो। लो आगे तक के मुंडी जो है वो पीछे घूम गई, हेलो। सो गाइस हम यहाँ से ले रहे हैं बनी कवर, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा, ये वाला ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ बाकी हेलमेट पे कैसे लगाना क्या चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। और ये जैकेट रिश्यू यहाँ से ले रहा है, एक बार चेक कर सकते हो भाई। तो रिश्यू की बाइक का अपने मीटअप पे गया, लास्ट टाइम एक्सीडेंट हो गया था, एक भाई ने पीछे आके मार दी थी, ये चेक कर सकते हो, पूरा जो है वाइजर है साइड वाला जो भी है ये पूरा खराब हो गया, पूरा स्क्रैच हो गया, और ये मिरर भी देख सकते हो साथ में, इसका जो हैंडल था ना भाई ये भी खराब हो गया, और ये हैंडल का भी मिल भी नहीं रहा, तो फिलहाल तो जैसे 10 मिनट टाँगा वाँगा लगा लिया, और ये ठीक हो चुका है लेकिन अभी ये जाएगी, और साथ में जो लीवर है ना ये भी चेक कर सकते हो, ये भी टूट गया, ये भी नहीं मिल रहा भाई कहीं से ब्रेक लीवर, सो इसमें भी काफ़ी काम होना बाकी है, ये आपको फिर कभी दिखाएंगे, अभी चलते हैं एक छोटी सी रेड के लिए, और अभी चल रहे हैं आलोक भैया। शाम के 7 बजने को है और गर्मी की हालत देखो भाई, क्या खतरनाक गर्मी लग रही है। क्या गिर रहा आपको मैं, बारिश, शिट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गए आप। सो यहाँ पे एक प्लेयर देख सकते हो भैया, लेफ्ट हैंड प्लेयर पे जा रहा हूँ मैं, लेट हूँ बारिश आ गई यार, मुझे लगा पता नहीं आंखों में क्या गिर रहा, आगे से बजरी बजरी सी, अरे चचा ले, अरे चचा ले तो लेंगे लेकिन मेजर क्यों ठोक रहे हो यार। भाई
जी फिर वहाँ पे रुक गए, मुझे लगा शायद उन्हें लोकल में कहीं जाना हो तो उन्होंने ट्रेन ले लिया होगा, फिर मैं आगे सीधा निकल गया। बारिश खतरनाक हो गई, प्लान रद्द करना पड़ेगा। इतनी खतरनाक गर्मी और ये बारिश। चाचा आपको ले लूंगा लेकिन आपको पहले ही कहा था यार, बार बार पड़ी लकड़ी ले रहा हूँ। बढ़िया जी, आपको कहा तो था लेकिन आप मेरे से आगे बैठ रहे हो। आपको YouTube में तो ले लूंगा लेकिन आप मुझे तो छोड़ दो, चाहे मैं आपको YouTube चला लूँ अपना यार। अरे कोई नहीं, आप बड़े हो छेड़े, कुछ लगी तो नहीं है? लगी तो नहीं लगी। अरे कोई नहीं, आप हाथ में जोड़ो। ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ, भैया लेट हो रहा हूँ मैं ना। लगी तो नहीं ना? अब जो लगी वो लगी, आप क्या करते हैं, हमें भी सब्सक्राइब कर लिया करो, हमें भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप मुझे मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे डेजल लाइटर नाम से। एक सेकंड साइड हो जाओ भैया, पीछे तो कोई और मारेगा ना। हाँ जी आ रहा है, तो ठीक है, तो भाई ठीक है, हो गया खत्म। लटक गया, भैया दो मिनट तो रुक जाओ, आगे कोई खड़ा हुआ है, मैं लेट हो रहा हूँ। आप लेट हो रहे हो, एक बात दो बताइए। आप इतना बड़ा तामझाम क्या करते हैं, लेके चल रहे हो हम। हाँ जी आगे बोलिए। आगे चल गया नेट, हाथ में खून भी निकल गया आपके यार। हाँ यही है भैया, हट गया भाई ये सेल्फी। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल भैया, लाओ मैं खींच देता हूँ। भैया हम छोटे आदमी का। अरे मैं आपसे छोटा हूँ भैया, आप लोग भी मेरे पास है क्या करते हैं। मैं आगे कोई वेट कर रहा है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, भाई बाई चांस बच ही गया मैं, और ये नीचे मेरा एग्जॉस्ट ही दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा यार। कैसे कैसे यार, देखो यार बंदे ने पी रखी है, लेकिन बंदा नेचर वाइज अच्छा था, फिर मैंने चलो ठीक है, जब वो अपने तब से इंसान सामने बोल देता है ठीक है भाई गलती होगी। और मुझे पहले लग रहा था, तभी मैं थोड़ा आगे निकलना चाह रहा था भाई से, यार ऐसा ना हो वो मेरे में ही बैठ दे और वही काम हुआ भाई। वो चीज़ होती है ना कि आपको पहले से ही पता लग जाती है कि ये चीज़ सही नहीं होने वाली, और ये चीज़ से थोड़ा दूर रहे तो ही ठीक है। सो सेम चीज़ मुझे फील हुई और सेम चीज़ हो भी गई मेरे साथ। अब आलोक भैया का वेट करता हूँ, कहाँ है आलोक भैया। चाबी निकाल लो भाई, बाकी तो कुछ हुआ तो नहीं। हेलो कहाँ पे हो भैया आप? मैं चौराहे पे खड़ा हूँ, वहीं पे ऋषिकुल पे। हल्की हल्की हो रही है, और एक भाई आगे भी खड़ा हो वहाँ पे जो फ्लाईओवर नहीं है। चलो ठीक है मैं निकलता हूँ। हाँ जी आप थोड़ा आराम कर लो। हाँ जी आराम ही कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ से कहाँ
आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, मैं नंबर नहीं दे सकता क्या? आप नंबर दोगे तो बहुत बड़ी बात है। आ गया नहीं भेजा, उठ भी गया भैया, कॉल भी उठ गई, आवाज नहीं आ रही। मैं जा रहा हूँ, बारिश में भीग जाऊँगा, सारा सामान खराब हो जाएगा। कोई ठीक, वेलकम, हेलो भाई, बारिश इतनी तेज लग रही है, क्या भी बताऊँ। लेकिन मौसम अच्छा हो गया, पहले इतनी भयंकर गर्मी थी ना भाई, वीडियो बना रहा है। हाँ जी, हाँ जी, चल फिर। तो भाई इतना सब सीन हुआ है, एंड उसके बाद भी जब वहाँ पे हम खड़े हुए तो बंदा क्या है भाई, इतना रिलैक्स फील कर रहा है, एंड इवन मुझे कह रहा है कि आराम कर लो। मैंने यार आराम की जरूरत तो आपको है, मैंने मन में सोचा, मतलब बोला उस टाइम मैंने भाई, क्योंकि बंदे ने पी रखी है तो मैं क्यों भाई बिना कुछ और बात को बढ़ाऊँ। और सबसे अच्छी बात की थी बाइक के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ, खाली साइड मिरर के जो होता है वो टूट गया, उसका पेयर नया ऑर्डर भी कर दिया हम लोगों ने, आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर। लेकिन अच्छा ये हुआ कि स्क्रैचेज वगैरह नहीं आए, और बाई चांस अच्छा ये हुआ कि भाई देखो मेरा तो नुकसान होता, चलो ठीक है मेरी बाइक का नुकसान होता, लेकिन उसका तो जीवन के साथ रिस्क था, क्योंकि ना हेलमेट था ना कुछ था, और वो गड्ढे में जो बचे हैं स्कूटी की, वो तो किस्मत अच्छी थी बंदे की, वो गिरने से बच गया हो, तो उसका तो भाई जान वान का खतरा रहता, उसके चोट वोट अच्छी खासी लग जाती, मेरे तो खाली गाड़ी का नुकसान होता, लेकिन उसकी जान के साथ रिस्क था। तो भाई कम से कम ना एटलीस्ट आप लोग ना ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, आप लोग चलो ठीक है हेलमेट नहीं पहनते भाई, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन पहन लेना चाहिए, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो भाई रोड पे मत निकलो, ये आपका भी नुकसान है, एंड साथ में जो दूसरे बंदे साथ आप ठोकोगे ना उसका तो भाई विनाद का नुकसान है। कि मान लो चलो उस टाइम मैं गिर जाता ना, तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी भाई, 1% मेरी गलती नहीं थी, तो वो तो ये है ना कि मतलब मेरी बिना गलती के मैं गिर रहा हूँ, तो फिर बाद में लोग कहते हैं नहीं भाई हैवी व्हीकल है, यानी कि रेसिंग बाइक है तो रेस कर रहा होगा, लोकल की सड़कों पे भगा रहा होगा, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, थोड़ा ना अपनी सोच को ऐसा लोगों ने बना रखा है। बस ये मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप पी रखी है तो अपने घर पे बैठ के पी लो भाई, कहीं बाहर बैठ के पी लो, लेकिन उसके बाद कभी ड्राइव मत करो, और बाइक क्या गाड़ी मत चलाओ, कोई ऐसा रिस्क मत लो अपनी अपने जीवन के साथ, ऐसा कोई रिस्क मत लो, जीवन बहुत अनमोल है। तो आ जाओ उधर, आराम से आराम से आराम से आराम से, इस साइड भाई 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 भाई, आराम से आराम से, रोड के इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, कर लो हल्का करना, हल्का करना, भाई खतरनाक, ठीक है ठीक है बाय, ओके आराम से, गुड नाइट, बाय बाय बाय। एक सेकंड क्या, नहीं नहीं कल निकल निकल, निकल।